हेलो एवरी वन वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी माई नेम इज परिधि श्रीवास्तव आई होप यू आल आर डूइंग गुड सो आज की वीडियो में हम लोग एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डिस्कस करने वाले हैं सो दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन फर्स्ट फॉगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड इट गॉट Passed by the Lok Sabha on 3rd of August 2023. Now, the two basic changes, the two major changes that this bill seeks to amend, is that first, it makes the uh, the act of tout punishable, and secondly, it seeks to repeal some of the provisions of the Legal Practitioners Act. Now, let us discuss the bill in detail. Yeah. So firstly as I said that the bill was introduced on in 1st of August 2023 and got passed by the Rajya Sabha on 3rd of August 2023. So here two major changes are being ja Firstly is that it makes the act of tout punishable. Now what is tout? We will discuss in the video and it further repeals certain provisions of the Legal Practitioners Act 1879. Now the object and the reasons of the bill. प्रैक्टिशनर्स एक्ट के बारे में बात करते हैं तो लीगल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर्स एक्ट के काफी सारे एस्पेक्ट ऑलरेडी कवर्ड थे एडवोकेट्स एक्ट में सो देर वॉज अ न्यू प्रोविजन दैट वॉज जिसके थ्रू ऑल ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट गॉट रिपील्ड तो पूरा ही लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट रिपील हो गया था एक्सेप्ट सेक्शन वन सेक्शन थ्री एंड सेक्शन थर्टी सिक्स

इन आर वीडियो सो क्योंकि अब जो टाउट का रिलेटेड प्रोविजन था उसके लिए एडवोकेट्स एक्ट में एक नया प्रोविजन बन ही रहा था और लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट पूरा ही रिपील हो चुका था और जो बचे हुए सेक्शन हैं जैसे कि मैंने बताया वन थ्री एंड थर्टी सिक्स वो ही सेक्शन फिफ्टी सब सेक्शन सिक्स के थ्रू अब रिपील हो जाएंगे सो ऑल द सेक्शन ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट एटीन सेवेंटी नाइन एक्सेप्ट सेक्शन वन थ्री Of the section 50 of the advocates act the new bill for the repeal section 1 3 and 36 of the legal practitioners act by amending section 50 of the advocates act and adding subsection 50 uh, basically section 50 subsection 6 now let us see what is a tout so in easiest term agram tout tout hai. the tout is a person who brings employment or business to a legal practitioners in consideration of some uh, in consideration of some money or some remuneration so basically a uh, tout is, uh, is basically defined under section 45a subsection 7 of the Advocates act it says that who procures now we'll skip this part the employment of the legal practitioners in any legal business in consideration of any remuneration or or who uh, proposes to any legal practitioners or to any person interested in any legal business to procure so basically who proposes to procure again in consideration of remuneration the employment of such legal practitioners so basically a person who procures employment for a legal practitioners in remuneration uh, in consideration of some remuneration or for some money so uh, the second the second point says that or who for the purpose of such procurement frequents the presence of civil or criminal court इम्प्लॉयमेंट so प्रिक्योर uh, करने के लिए सिविल कोर्ट में या फिर, फिर ऐसी जगहों पर जो यूजली आते जाते रहते हैं इट कैन ऑलसो भी रेवेन्यू ऑफिस और रेलवे स्टेशन और लैंडिंग स्टेजेस लॉजिंग प्लेसेस और एनी अदर प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स सो बेसिकलीउट इज अर्सनिंग प्रैक्टिशनर्स फॉर सम रिन्य

बेसिकली so हाँ पे एडवोकेट्स एक्ट पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब हो रही है टाउट्स के लिए कि अगर वो वो जिनका नाम लिस्ट में है और उसके बाद भी एक्ट करते हैं so so क्या क्या अथॉरिटीज हैं वो हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन जज डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एंड एवरी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिंग बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर ओके okay. सो so, ये सारी अथॉरिटीज़ हैं जो बेसिकली एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगी उनके खुद के सेटिस्फैक्शन पे सो रिगार्ड्स देयर रिगार्ड्स देयर और ओन कोर्ट एंड कोर्ट्स इफ़ एनी सबॉर्डिनेट टू सो बेसिकली मे फ्रेम एंड पब्लिश तो ये फ्रेम करेंगी पब्लिश करेंगी उन लोगों की लिस्ट जो उनके सेटिस्फैक्शन पे उनको लगता है ओके okay? या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट के सेटिस्फैक्शन पे बाई एविडेंस ऑफ जनरल रिप्यूट

अब वो मेंबर्स में आएंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस एज लीगल प्रैक्टिशनर्स इन एनी कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिस सो ये जो मीटिंग होगी इसके मेंबर्स कौन होंगे बेसिकली लीगल प्रैक्टिशनर्स होंगे इन एनी कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसेस एंड ये लोग जो एविडेंस देंगे शैल बी एविडेंस ऑफ द जनरल रेपुट ऑफ सच पर्सन

कोई भी पर्सन का नाम लिस्ट में इंक्लूड नहीं दिया जाए नहीं किया जाएगा तो बेसिकली जो सबसेक्शन टू है वो इन पर्सन को uh, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दे रहे हैं सो सो वो अपने डिफेंस दे सके बेसिकली बेसिकलीज दैट सबसे थ्री सेज दैट एनी अथॉरिटी इम्पावर्ड अंडर सबसे वन यहाँ पे हमने हाई कोर्ट पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज कलेक्टर ये जो अथॉरिटीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो फ्रेम करेंगे एंड पब्लिश करेंगे एक कोर्ट सबॉर्डिनेट तो वो लोग एक लिस्ट बना के उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके, अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को भी एक लिस्ट सेंड करेंगे

एंड आफ्टर गिविंग ईच सच पर्सन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉस सो बेसिकली यहाँ पर एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट इंक्वायरी उन लोगों के उन पर्सन के कंडक्ट के बारे में होगी उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हेरिंग दी जाएगी और जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दे दी जाएगी उसके बाद एक रिपोर्ट क्रिएट की जाएगी वो रिपोर्ट दी जाएगी टू द अथॉरिटी मतलब कि कि जो 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 कोर्ट 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 है 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 वो उनके सीनियर होंगे जिस से उनको ये ऑर्डर मिला फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज जो है, example, court, भी हैं उनको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स रिप्लाई बैक करेंगे उनको इंक्वायरी uh, का रिपोर्ट देंगे

ऑफ़ कोर्ट, एनी पर्सन इज इंक्लूडेड इन सच लिस्ट सो जो भी जज होंगे या फिर जो भी कोर्ट uh, होगा वो ऐसे लोग जिनका नाम लिस्ट में है और जो कि प्रूव हो चुके हैं टू बी अट आउट उन लोगों को कोर्ट के एरिया से कोर्ट के जोशन से बाहर निकाल सकते हैं नाउ एनी पर्सन एक्ट एज अट आउट वाइल इज नेम इज इंक्लूडेड इन दट आउटिकली जो सबसे फोर्टी फाइव ए सबसेक्शन सिक्स ये पनिशमेंट सेक्शन है पेनाल्टी सेक्शन है बेसिकली एंड ये बोलते हैं कि इन जो भी लोग हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं एज ए टाउट जिनका नाम ऑलरेडी लिस्ट में इंक्लूडेड है उनको बेसिकली उनको पनिशमेंट दी जाएगी एंड वो कितना होगी विच मेंशन सेवन है वो बेसिकली क्या बताता है वो कुछ चीजों को डिफाइन करता है ठीक है कुछ फॉर एग्जाम्पल जज सबऑर्डिनेट कोर्ट देन रेवेन्यू ऑफिसर्स तो ये उनको बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जज क्या होंगे जज का मीनिंग इस सेक्शन के कंटेक्सट में होगा एनी प्रोसाइडिंग जुडिशियल ऑफिसर इन एवरी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट सिविल कोर्ट में या फिर क्रिमिनल कोर्ट में जो भी प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो जज कहलाएंगे बाई वॉट एवर टाइटल ही इज डेजिग्नेटेड सबॉर्डिनेट कोर्ट मीन्स ऑल कोर्ट्स विच आर सबॉर्डिनेट टू दाई कोर्ट तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में वो कोर्ट्स हटाएंगे जो कि सब हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है एंड इट विल इंक्लूड द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस एंड थर्डली

हम एक बार जल्दी से इजीली फिर देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर होती है लिस्ट बनाने की सो फर्स्टली वी हैव दिस अथॉरिटी अथॉरिटी में हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज कलेक्टर ये सब लोग होंगे एंड ये सब लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे जो भी पर्सन एलेज हैं कि वो लोग डाउट हैं ये लिस्ट तैयार करके सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेजी जाएगी एंड अगेन ये लिस्ट कैसे तैयार होगी इसके लिए कुछ मेम्बर्स का रेजोल्यूशन पास होगा रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास होगा और वो मेबर्स होंगे लीगल प्रैक्टिशनर्स जब ये लिस्ट तैयार कर दी जाएगी बाय द हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन जज या फिर कलेक्टर

ऐसा करना उसके लिए पनिशेबल होगा जिसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी विच विल बी अप टू थ्री मंथ्स इंप्रूवमेंट और फाइन ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज और बोथ सो दैट्स ऑल फॉर टू लेक्चर आई होप यू लाइक द वीडियो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू